हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। अभी तक हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, जैसे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्स, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोर्स, जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन क्या चीज़ है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को और अच्छे से समझने के लिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ को समझने के लिए हमारे पास कुछ और पैरामीटर हैं जिनको हमें और ध्यान से समझना पड़ेंगे। और उसमें बेसिक पैरामीटर हम सबसे पहले देखेंगे, दैट इज लीनियर मोमेंटम। ओके, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? तो लीनियर मोमेंटम को हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? पी वेक्टर। ओके, इट इज पी वेक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, लीनियर मोमेंटम में क्या है? मास और वेलोसिटी का हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें, तो दिस लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, दिस हाउ यू कैन डिफाइन दिस लीनियर मोमेंटम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, ओके, इससे रिलेटेड और बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं क्यों हमने मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन किया है। जब कभी हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स किसी बॉडी पर जो हम अप्लाई करते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है, वो उस बॉडी की दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, एक उसके मास पर डिपेंड करता है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब अगर एक को हम कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ा सकते हैं, और दूसरे को कम करेंगे तो पहले को बढ़ा सकते हैं, तो मोमेंटम में चेंज जो है वो सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमको देखना पड़ेगा कि हमने क्यों मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन किया है। ओके, क्योंकि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फोर्स। ओके, सो व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम? बिकॉज वी आर टेकिंग द लीनियर वेलोसिटी हियर, क्योंकि हम यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं। और आगे जाके हम एंगुलर मोमेंटम की भी बात करेंगे और एंगुलर वेलोसिटी का वहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर पी वैक्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है, वो ये कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, हमको लिख लेना चाहिए, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा वो हमको बताना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम लिख सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा। और यहाँ पर हम ऐसा क्यों कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो मास है वो एक स्केलर है, और अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। ओके, सो दिस पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज द यूनिट, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम? तो यूनिट की अगर बात करें तो मास का यूनिट होगा केजी, और वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट हमको पता चल गया, केजी, मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें, अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट खुद एक बार चेक करना है इस वीडियो को पॉज करके, कि व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला फॉर दी, हाउ यू कैन राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर दी लीनियर मोमेंटम। तो मास मतलब कि केजी, और वेलोसिटी मतलब कि मीटर पर सेकेंड। सो मास हैविंग डायमेंशन सिंबल एम, एंड वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। सो दिस डायमेंशन फार्मूला फॉर दी लीनियर मोमेंटम इज एम एल टी माइनस वन। नाउ वी आर सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल इक्वेशन, हम सॉल्व करेंगे कि अगर किसी बॉडी को हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हम उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन में है, हमारे पास क्वेश्चन में है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजोंटल, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, इट इज़ अवर हॉरिजोंटल, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ओके, एंड वी आर प्रोजेक्टिंग वन बॉडी ओके विथ इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 20
meter per second at angle 37 degree. At angle 37 degree. ओके तो यहाँ पर अगर हम इसका लीनियर मोमेंटम, तो मास की ज़रूरत है, तो मास यहाँ पर गिवन है आपके पास में 2 kg. ओके फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम, हमको फाइंड करना है, फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम, ओके फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म फाइंड करेंगे. दिस वेलोसिटी कैन रिप्रेजेंट व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट. व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी? द एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इज यू एक्स, दैट इज इक्वल टू 20 cos 37 degree. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 37? दैट इज इक्वल टू 4/5. सो दिस 5 विल कैंसिल आउट. ओके बाय दिस 20 यू विल गेट 16 meter per second, that is x component. Okay, and what is the y component? What is the y component? That is uy is equal to 20 sin 37 degree. Okay, 20 sin 37 degree. So 20, what is sin 30? That is 3/5. So 4 time cancel hoga and you will get 12. Kitna milega? 12. So this u wala, this u vector can written as 16 ik plus 12 jk. Okay, now what is the linear momentum? This P vector is equal to mass into velocity. Okay, P vector is equal to mass into velocity. So, humko yahan par simple multiply kar dena hai. U, M ka value kitna given hai? M ka value given hai yahan par 2 kg. Yeah, humne answer question mein given hai. 2 kg, so 2 into what is the velocity? That is 16 ik plus 12 jk. So, you will get 32 ik plus 24 jk. ओके एंड द यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड. तो आप लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर समझ सकते हैं. लीनियर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम समझ सकते हैं. यहाँ पर लीनियर मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जब कभी हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो हम मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं. जैसे अगर हमारे पास में एक हो सकता है कि दो बॉडी जिसका मास बहुत ज़्यादा, जैसे एक ट्रेन जिसका मास बहुत ज़्यादा है और उसका वेलोसिटी बहुत ही कम है, पर एक बुलेट जिसका मास बहुत ही कम है और वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, उनका मोमेंटम सेम हो सकता है. तो दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा. ओके दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके आगे हम बात करते हैं. दिस लीनियर मोमेंटम इज़ नॉट टू मच वेरी इंपॉर्टेंट. ओके लीनियर मोमेंटम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम है. Okay, this change in linear momentum also very important parameter. So the next topic is change in linear momentum. Hum next baat karne wale hain change in linear momentum. So the next we are talking about the change in a linear momentum. Okay, to usko hum kaise define karenge? This is defined as a delta P vector, change in linear momentum. Okay, change in linear momentum, that is the final momentum vector minus initial momentum vector. Final momentum vector is minus initial momentum vector. Okay, that is the change in, simply तो change final जो है minus initial करना है, तो हमको क्या मिल जाएगा? We will get the change in linear momentum. अब हम कैसे change in linear momentum find करेंगे, उससे related हम कुछ example करते हैं. जैसे हमारे पास में example number 1 है. This first example, हमारे पास एक wall है. Okay, और ये एक इलास्टिक वॉल है, मतलब कि ये जो बॉडी है मास m का v वेलोसिटी से इसकी तरफ मूव कर रही है और कोलिजन के बाद ये बॉडी अगेन विल मूव विथ वेलोसिटी v. ओके v वेलोसिटी से वापस से मूव करने लग जाता है. ओके तो हमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम. फाइंड चेंज इन मोमेंटम, क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम, हमको मोमेंटम फाइंड करना, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना. तो हम लिखेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, एक ही डायमेंशन में एक ही स्ट्रेट लाइन पर दोनों बॉडी मूव कर रही है. तो हम लिख सकते हैं पी फाइनल इज इक्वल टू माइनस एम वी.
क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है. ओके, सो दिस फाइनल मोमेंटम कैन रिटर्न एज माइनस एम वी. ओके, नाउ द इनिशियल मोमेंटम हम कैसे लिखेंगे? दैट इज प्लस एम वी. और अगर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी फाइंड करना है तो फाइनल मोमेंटम दैट इज माइनस एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज एम वी. सो द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस टू एम वी. ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, न केवल काइनेमेटिक्स में. अगर आप ऑप्टिक्स की बात करेंगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, आप ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, रेडिएशन प्रेशर की बात करेंगे, लाइट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अगेन वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन. अब यहाँ पर जो बॉल है वो क्वेश्चन नंबर टू, हम एग्जाम्पल नंबर टू अब देख रहे हैं. यहाँ पर बॉल अब परपेंडिकुलर नहीं मूव कर रही है. हमने फर्स्ट केस कौन सा लिया था? हमने फर्स्ट केस नॉर्मल इंसिडेंट का लिया था जिसमें बॉल नॉर्मली कोलाइड कर रही है. अब ये बॉल नॉर्मली कोलाइड नहीं कर रही है, ये बॉल थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर इस जिसका मास m है u वेलोसिटी से कोलाइड कर रही है. ओके, और कोलिजन के बाद चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो उतनी ही वेलोसिटी से वापस से ये बॉल क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. उतनी ही वेलोसिटी से उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. हमको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम. क्या फाइंड करना है? फाइंड डेल्टा पी वेक्टर. ओके, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से समझना है. सबसे पहले अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें और इसे एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड लीनियर मोमेंटम आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म. सो दिस वेलोसिटी यू इनिशियल वेक्टर, वेलोसिटी यू इनिशियल वेक्टर इज मेकिंग थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. ओके, सो इट विल हैव टू कंपोनेंट. इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा और एक वाई कंपोनेंट होगा वो होगा यू साइन थीटा. पर ये जो वाई कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव कंपोनेंट होगा. तो अगर हमको यू इनिशियल लिखना है वेक्टर तो हम लिखेंगे एक्स कंपोनेंट दैट इज यू कॉस थीटा आई केप एंड वाई कंपोनेंट दैट इज माइनस यू साइन थीटा जे केप. ये आपको माइनस क्यों लिया है यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है, बिकॉज दिस वाई कंपोनेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, दिस वाई कंपोनेंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. नाउ व्हाट इज इनिशियल लीनियर मोमेंटम? दैट इज इनिशियल मोमेंटम वेक्टर नाउ विल बिकम एम यू कॉस थीटा आई के माइनस एम यू साइन थीटा जे के. ओके, नाउ व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमने बनाया, दिस इज यू फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. नाउ इट इज अगेन मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल. सो अगेन वी कैन डिवाइड दिस वेलोसिटी वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट. फिर से हमने इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया. सो इट इज यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड यू साइन थीटा वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट. सो दिस यू फाइनल वेक्टर विल बिकम माइनस यू कॉस थीटा आई केप माइनस यू साइन थीटा जे केप. अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये दोनों वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों लिया है. ठीक है, हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट क्यों किया है. अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस एम यू कॉस थीटा आई केप माइनस एम यू साइन थीटा जे केप. ओके, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म मिला फाइनल मोमेंटम का. अब हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो अगर चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा पी वेक्टर दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि माइनस एम यू कॉस थीटा आई के माइनस एम यू साइन थीटा जे के माइनस इनिशियल. इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो फर्स्ट यहाँ पर जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एम यू
cos theta I k, और ये प्लस हो जाएगा, दिस नेगेटिव टर्म विल बिकम पॉजिटिव, सो प्लस एम यू साइन थीटा जे के, सो दिस नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी दिस वाई कंपोनेंट नेगेटिव नेगेटिव कंपोनेंट विल कैंसल आउट एंड फाइनली यू विल गेट द नेट कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन. उसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ब्लू कलर से हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर अगर हम फाइनली ये दो जो वैक्टर फाइनल एडिशन मिला है वो डेल्टा पी वैक्टर हम लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माइनस टू एम यू कॉस थीटा आई केप. ओके, तो इसका आंसर माइनस टू एम यू कॉस थीटा आई केप होगा. मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपको ध्यान से समझना, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही कॉन्सेप्ट हम आगे जाके यूज़ करते हैं. यहाँ पर अगर आपको वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वेक्टर को आपको रिवाइज करना है, तो हमारी वेक्टर की पूरी एक प्लेलिस्ट है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, जहाँ से आप वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं. तो ये सारे कॉन्सेप्ट फिर से आपके एक बार अच्छे से रिविज़न अच्छे से समझने के लिए, वेक्टर का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ से आप ये समझ सकते हैं. अभी हम एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं, वेक्टर यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम से.